मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं सुबह उठ करके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, लेकिन अभी तक घर का जो साफ सफाई का काम है वो सब नहीं हुआ है और मुझे लंच भी बनाना है। तो मैंने सोचा है कि चलो आज एक ब्लॉग ही बना लेते हैं। और मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली आज ब्लॉग बनाने का, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि एक ब्लॉग बनाना ही चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और माइंड भी वो बहुत ही रिफ्रेशमेंट होते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग बना लेती हूँ। तो अभी तो पहले मैं साफ सफाई का काम करूँगी, उसके बाद कुकिंग करूँगी, फिर किचन क्लीनिंग, लेकिन उससे पहले मैं लगा दूँगी एक लॉन्ड्री। तो चलिए ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो धोने का जितना सारा कपड़े होते हैं मैं इस लॉन्ड्री बकेट में रख देती हूँ, और जब मैं कपड़े धोने के लिए कपड़े को मुझे यहाँ से वहाँ से मतलब लाना नहीं पड़ता है, सब कुछ यहाँ पे रहते हैं, जस्ट इसको मुझे उठाकर वॉशिंग मशीन पे डालना होता है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने कल रात को ही भिगो कर रख दिया था पोस्टोलाना को, इसको खसखस भी बोलते हैं हिंदी में। तो अभी मैं इसको अच्छे से धो लिया है, अभी इसको मुझे एक अच्छे सा फाइन पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट बनाने के लिए मैंने पॉपी सीड्स को ले लिया है और एक प्याज भी ले लिया है और थोड़ा सा टोमेटो भी मैंने यहाँ पे एक ही लिया है, दो ग्रीन चिली लिया है, 7-8 काजू भी लिया है। तो इसका एक मैं फाइन पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए हम लोगों का पोस्टोलाना का एक फाइन पेस्ट बन गया है। तो अभी इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू को अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली है और अनियंस भी एक कट कर ली है और ग्रीन चिली भी ले लिया है। तो चलिए यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया है, बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो तेल गर्म हो जाने के बाद मैं यहाँ पे दे दूँगी आलू को। मैं आलू को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी ताकि आलू भी अच्छे से पक जाए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी दे दिया है। अगर आप जल्दी जल्दी में बनाना चाहते हैं तो आलू को बॉइल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई किया हुआ आलू में ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हम लोगों का आलू फ्राई हो गया है, तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी। आलू पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है और अच्छे से पक भी गया है। और अभी मैं तेल पे दे दूँगी एक ड्राई चिल्ली और 2 तेज़पत्ता। तो इसको भी अच्छे से स्टर कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूँगी अनियंस को, ग्रीन चिल्ली, ये सब देने के बाद इसको मैं थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूँगी हल्दी और नमक को। हल्दी और नमक को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट देकर इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद कलर के लिए मैंने यहाँ पे दिया है थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। उसको फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे दिया है थोड़ा सा पानी और उसके बाद पुस्ता का पेस्ट। तो पुस्ता का पेस्ट देने के बाद उसको मैं 2 मिनट तक स्टर कर रहूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया है 2 टेबलस्पून ऑफ कर्ड। तो दही को देने के बाद इसको अगेन मैं 2 मिनट तक फ्राई करते रहूँगी। और इसको जब 2 मिनट हो जाएगा तो फ्राई किया हुआ आलू मैं यहाँ पे दे दूँगी। आलू को देने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं दे दूँगी गरम मसाला। फिर इसको मैं अगेन 5-6 मिनट तक ढक कर मीडियम फ्लेम पे बॉयल जाने दूंगी और उसके बाद इसका जो टेक्सचर है वो पूरी तरह से ऐसा हो जाएगा। तो यही पे हम लोगों का आलू पोस्तो बनके तैयार है। तो आलू पोस्तो को मैंने गार्निशिंग और टेस्ट के लिए दिया है रोस्टेड कसूरी मेथी और थोड़ा सा क्रीम। ये आप दूध में जमे हुए मलाई भी दे सकते हैं। और अभी मैं फ्राई करूँगी परवल को, जिसको हम लोग आसामीस में पॉटल बोलते हैं। तो परवल को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। परवल को देने के बाद हल्दी नमक देकर इसको जस्ट मुझे फ्राई करना है। एकदम सिंपल सा मैं बना रही हूँ, तो ये भी हो जाएगा और उसके बाद हम लोग कर लेंगे लंच। And I don't need no extra.
मैंने तुरंत ही अपना लंच कर लिया है क्योंकि इतना ज़ोरों से मुझे भूख लग रहा था और ऊपर से काम भी इतना था। देखने में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या घर का ही काम है या जो साफ़ सफाई का, खाना बनाना या फिर छोटा मोटा कुछ, लेकिन वो सब करने में भी एकदम मतलब बहुत टाइम लगता है और एकदम इतने गर्मी में इतना सारा काम करना बहुत ही एक टास्क जैसा हो जाता है। और ऊपर से अभी मेरा 8 मंथ भी चल रहा है, कुछ दिनों के बाद 9 मंथ भी हो जाएगा प्रेगनेंसी का, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस फील कर रही हूँ। तो अभी मैं 2-3 घंटा आराम से सोऊंगी और उसके बाद इवनिंग में उठकर अपना इवनिंग का नाश्ता वगैरह या फिर चाय वाय ये सब हम लोग पियेंगे। और आज हम लोगों का डिनर के लिए इनविटेशन है, तो हम दोनों आज डिनर के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और भी और कुछ मतलब शूट करना नहीं है अभी इवनिंग में, जस्ट एक ही काम है हम लोगों को, चाय वाय पीना, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इस तरीके के नए नए वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।